राज्यपाल से मिलने के लिए इस वक्त राजभवन पहुंचे हुए हैं कमलनाथ। राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपने के लिए कमलनाथ इस वक्त वहां मौजूद हैं। जिस तरह का वक्त 1 बजे का मुकर्रर किया गया था वो पहुंच गए। तो जो पिछले इतने समय से मध्य प्रदेश का सियासी संकट हम देख रहे थे, सियासत में अब एक नया मोड़ उस वक्त आ गया जब वो आए यहाँ पर। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की और ये तो पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि कुछ बड़ा ऐसा हो सकता है, कुछ ऐसा वो कह सकते हैं। और जिस हिसाब से कल फिर जब वो 16 विधायकों के इस्तीफे भी मंजूर कर लिए गए तो उसके बाद तो ये साफ हो गया था कि अब कहीं भी नंबर्स नहीं है। अंक गणित की अगर यहाँ पर बात करें तो इससे साफ था कि भाई सरकार गिरनी तय है। लेकिन फिर भी कुछ विधायक ऐसे थे जो ये कह रहे थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करने दीजिए, कहने तो दीजिए। दिग्विजय सिंह भी यहाँ पर हालांकि पहले ही अब कह चुके थे कि हाँ हमारे पास नंबर्स नहीं है और सरकार गिरना तय है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद ये माना जा रहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार करना चाहिए। लगातार दिग्विजय सिंह की ओर से भी ये कहा जा रहा था, जब पत्रकार उनसे पूछ रहे थे तो उन्होंने कहा कि रुक जाइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो होने दीजिए, उसके बाद कमलनाथ जो कहेंगे तब आपको जो भी कहना है तब आप कहिए।